ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदृश्य विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशे तानि नामानि यापणे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और हमारे इस चैनल आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं। आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का अस्त होना। बृहस्पति ग्रह का अस्त होना विशेष तौर पर आपके लिए किसी प्रकार भी शुभ नहीं है, ये समझ लीजिए। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं। बृहस्पति महाराज जब शनि के सूर्य के साथ आसन निकट आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं, पर अभी बृहस्पति ने परिवर्तन का योग बनाया था। 1 मई को बृहस्पति परिवर्तन की तरफ गए थे, राशि परिवर्तन कर और उससे पहले बृहस्पति महाराज शनि के विशेष तौर पर ग्रास में चल रहे थे, शनि से दृष्ट चल रहे थे, तो जितना पंचम भाव में उम्मीद थी वो लाभ नहीं मिला था। और ऐसे में बृहस्पति नई उम्मीद जगाई थी और उम्मीद जगा के बृहस्पति फिर एकदम पूर्ण ताकत में आकर कुछ भावों के लिए आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा था। देखिए बृहस्पति का वो और उसके उम्मीद जगाकर एकदम बृहस्पति 8 मई से लेकर 2 जून के बीच में अस्त रहेंगे। 8 मई से लेकर 2 जून के बीच में अस्त रहना, सुबह 8 बजे 8 मई को 5:10 पर परिवर्तन का योग बना और 2 जून को सुबह 6:10, यानी ये 25 दिन तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। और यही नहीं, केवल बृहस्पति नहीं, शुक्र भी आपकी राशि में चलते हुए आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें धनु राशि वालों के लिए 6 भाव में ही चलते हुए वो भी अस्त स्थिति में चले जाएंगे। शुक्र अस्त, सूर्य वहीं पर विराजमान हो जाएंगे, त्रिग्रही योग बना लेंगे। तो ऐसे में गोचर के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। वैसे ही बृहस्पति का ये परिवर्तन जो है दोधारी है आपके लिए, आदान प्रदान का योग बनता, परिवर्तन में योग बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बृहस्पति का विशेष तौर पर आप समझें कि आपका बृहस्पति जो पदार्पण हुआ, हमने आपको समझाया था पहले भी, ये बृहस्पति का धनु राशि वालों के लिए 12 वर्ष बाद पदार्पण हुआ है। और जहां हुआ है कि वो 50% अच्छा 50% खराब, 50-50 का टारगेट दिखाई देता है, वो भी समझ लीजिए क्यों दिखाई देता है। बृहस्पति का मुख्य प्रभाव 4 भावों में होता है, जब भी वो कहीं जाते हैं तो जहाँ बैठे हैं जहाँ जहाँ देख रहे हैं, 3 दृष्टि बृहस्पति की होती है, पंचम सप्तम और नवम। अब दृष्टि बृहस्पति की जो पड़ रही थी परिवर्तन होने के बाद 6 भाव में गए, 10 भाव में पड़ी, 6ठा भाव रोग का भाव, शत्रु का भाव, जहाँ गए तो बढ़ाएंगे। और उसके बाद जहाँ देख रहे हैं पहली दृष्टि जो पड़ रही है पंचम भाव पर, वहाँ जहाँ से बैठकर वो राज्य का भाव है, सम्मान का भाव है, उसको भी डेफिनेटली बढ़ाएंगे। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी 12वें भाव में, 12वां भाव नुकसान का भाव, हानि का भाव, एंजाइटी का भाव, मोक्ष का भाव, उसके बाद वहाँ उनको बढ़ाएंगे। और उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी विशेष तौर पर, कैलकुलेट करके देखें तो वो पड़ रही है 2वें भाव पर, और 2वें भाव विशेष तौर पर होता है धन का, कुटुंब का, परिवार का, उसको भी बढ़ाएंगे। तो वहाँ 50% ऐसे में लाभ देने हैं, 50-50 का योग दिखाई दे रहा है, दुधाई तलवार है। यदि आप संयमित होकर चल पाए, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए प्राकृतिक चिकित्सा के प्राकृतिक चलते रहे, ज्ञान का उदय करते रहे, तब तो बृहस्पति पूरी तरह से ये वर्ष में वारे न्यारे कराने के योग बना देगा आपके लिए। लेकिन अभी बृहस्पति जो है पूरी तरह से ही चुप होकर, शांत होकर, शुद्ध अवस्था में चले गए हैं, अस्त अवस्था में चले गए हैं, प्रभावहीन हो गए हैं। तो ऐसे में बृहस्पति का जो धन लाभ के लिए उम्मीद जागी थी, प्रमोशन के लिए उम्मीद जागी थी, परिवर्तन के लिए योग बनी थी, उन सब बातों में कहीं ना कहीं बिल्कुल ड्रास्टिक नेगेटिव प्रभाव, बहुत कम है। तो वही आप समझे, है तो वही, लेकिन जो पूर्ण ताकत से प्रभाव होना चाहिए वो उन दिनों कम हो गया है। तो ऐसे में अब बृहस्पति को आपको ठीक करने की जरूरत है। बृहस्पति को ठीक करने के लिए उसका प्रभाव, उसको शक्ति देने के लिए क्या उपाय किया जाए? आप शक्ति देने के लिए आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या कहे, भैया नग पहन लो, लेगा ये नग जो है ये सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा ये जो है 50 रुपये का है, ये 2 लाख रुपये का है। अब आप समझोगे ये 2 लाख रुपये वाला काम ज़्यादा करेगा, क्यों करेगा, नग तो है। ये सारा खेल हटाइए, धन का आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों का प्रभाव समझने के लिए, केवल आपके सही दिशा में विचार और सही दिशा में कर्म। ज्योतिष पैसा के लिए नहीं करता है, ज्योतिष सीधा सीधा उपाय बताता है, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा आप सही चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। देखिए इन दिनों आपकी दृष्टि के दृष्टिकोण, सबसे पहले तो हम इस कार्यक्रम में हम अपने आप आपके लिए ऐसे प्रयोग लाने का प्रयास करते हैं जो वास्तविक तौर पर शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से है।
शास्त्र में नग भी बताए गए हैं, लेकिन नग यदि असली मिले तो सही। आज बैंकॉक चले जाओ, बैंकॉक के अंदर किसी भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऐसे सिस्टम डेवलप हो गए हैं कि क्रिस्टल पत्थर को लाकर उसके अंदर हीट थेरेपी देकर जो कलर डालना चाहो, जिस अवस्था में लाना चाहो, वो सब डाल देते हैं, वो सब बना देते हैं। और फिर लोग महंगे महंगे पंडित जी के पास जाकर, महंगे महंगे ज्योतिषियों के पास जाकर, अभी मेरे पास फ़ोन आया एक विदेश से एक व्यक्ति का कि हिंदुस्तान के एक ज्योतिषी के पास गए और उन्होंने एक उपाय बताने के एक व्यक्ति से 1100 यूरो ले लिए। साहब होना क्या था उसके द्वारा? कुछ नहीं होना था। और आज वो मेरे पास, मैंने कहा भाई छोड़ो, जो भी हुआ वो आप कहीं ना कहीं कष्ट हुआ तो वो समस्या, मैं उसमें बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन सोचें दृष्टिकोण, सोशल मीडिया के द्वारा ही आज ऐसे विचित्र खेल भी रच जा रहे हैं। तो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझाने का प्रयास करें सीधी तरीके से। हींग लगे न फिट के रंग चौकाओ, बृहस्पति को शक्ति देने के लिए इस वक्त शास्त्रों के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय आपकी राशि धनु राशि वालों के हिसाब से बनती है। इस वक्त ज्ञान, बृहस्पति ज्ञान का देवता है, अस्त हो गया है, और ऐसे में शुक्र भी ज्ञान के देवते हैं, वो भी अस्त चल रहे हैं। तो दोनों तरह से बुद्धि कहीं ना कहीं कार्य नहीं कर रही है, ज्ञान को पूरी तरह से नहीं दे। तो ऐसे में ये आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, सूर्य की उंगली है, ये बुद्ध की उंगली है, और इन सब का उपयोग करके भी आप उपाय कर सकते हैं। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाइए, ये ज्ञान मुद्रा बन गई। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए बृहस्पति के मंत्र का जप कर लीजिए, ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः। ये मंत्र मैंने नहीं बनाया, शास्त्र के दृष्टिकोण से मंत्र महाणव इत्यादि समस्त ग्रंथों में जाकर आप देख लीजिए, ये मंत्र वहाँ लिखा है, इसका किस प्रकार से कार्य होगा वो भी सब शास्त्र में प्रमाणित है। बहुत सारे लोग अपने अपने दृष्टिकोण से कुछ कुछ ऐसे मंत्र बना देते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अपने नाम डालकर मंत्रों के अंदर उनका सत्यानाश करने के लिए लोग शास्त्रीय दृष्टिकोण से पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी उपस्थिति कर देते हैं, और लोग भेड़चाल है चलते चले जाते हैं। सीधी तरीके से इस बृहस्पति के ठीक करने के लिए ये उपाय करने का प्रयास करें। आपके बृहस्पति के दृष्टिकोण से इस वक्त 6ठे भाव में बैठकर बृहस्पति, ऐसे में इस भाव में बृहस्पति शुक्र सूर्य त्रिग्रही योग बन गया है, विश्व के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। और ये ग्रह दिखाता है कि विश्व में अशांति का योग रह सकता है, विश्व में प्राकृतिक आपदाओं के योग बन सकते हैं, या तो भयावह वृष्टि हो सकती है, तूफान बवंडर इत्यादि के योग बन सकते हैं, अग्निकांडों का योग बन सकता है, क्योंकि मंगल और राहु की युति भी इस वक्त चल रही है और वो भी विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण भाव रखती है। तो ऐसे में आपको आवश्यकता है कि सही रूप से सही उपाय करने की। देखिए बृहस्पति हैं ज्ञान के देवता, जब ज्ञान के देवता अस्त हो जाते हैं, शुक्र भी वहाँ पर अस्त बैठे हैं, सूर्य ने वहाँ पर प्रभाव उत्पन्न कर दिया है, तो आपको आवश्यकता है ज्ञान की, गुरु सही दिशा प्राप्त करने के लिए अपने बड़े जनों का आशीर्वाद लेने की, पिता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। नित्यपति उनके पैर छूइए, नित्यपति उनके पास जाकर थोड़ी देर बैठिए, उनकी सेवा करिए, उनके साथ सानिध्य में रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे भैया एज ऐसी हो गई कि पिताजी नहीं है, तो कोई बात नहीं, उस रूप में नहीं है तो देव रूप में तो है। पितृगण विशेष तौर पर रहते हैं तो 3 पीढ़ी तक तो हर एक को अपने पिता की, अपने पितृगणों की सेवा करने के, नित्यपति उनको जल दीजिए। ये छोटा सा उपाय कर लीजिए, हाथ में जल का लोटा लीजिए, थोड़ा तिल डाल दीजिए, तस्मय पिताजी का ध्यान करते हुए, उनका नाम बोलते हुए, उनका गोत्र बोलते हुए, उनका ध्यान करते हुए, जो तस्मयी सुधा ये पितृतीर्थ है, जल लेकर ऐसे तस्मयी सुधा। स्वाहा सुधा नाम की 2 देवियां हैं, स्वाहा का नाम जो देवी हैं वो उनको देवताओं तक आहुति पहुंचाती हैं, सुधा नाम की देवी जो है वो पितरों तक जल पहुंचाती हैं। तो नित्यपति उनके लिए जल सुधा तस्मयी सुधा 3 बार जल छोड़ दीजिए। ये उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान करते हुए ये कार्य कर सकते हैं। और शुक्र भी अस्त चल रहा है इन दोनों, विशेष तौर पर आप जहाँ चाहोगे वहाँ राह मिल जाएगी। ऐसे में और क्या कर सकते हैं? गुरुजन का आशीर्वाद, बड़े जन का आशीर्वाद, पितृतुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद, आशीर्वाद देने का प्रयास कीजिए। इसी आशीर्वाद से बृहस्पति आशीर्वाद ज्ञान का प्रतीक तो है, ज्ञान किससे मिलेगा? एडवाइजर से, बड़े बुद्धिमान लोगों से। अपना ज्ञान काम नहीं कर रहा है तो दूसरे को ज्ञान, ज्ञानवान पुरुष को साथ में रख लीजिए, नवरत्नों को साथ में रख लीजिए, उनका ज्ञान देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति हल्दी का टीका माथे पे लगा लीजिए, केसर का नित्यपति सेवन करना शुरू कर दीजिए। उपाय हजारों हैं, आप करने का प्रयास तो करेंगे, शास्त्र में वर्णित है, उन सब शास्त्रों के अनुसार से उपाय करेंगे तो सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनेंगे। बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसा हमने बताया 2 जून को बृहस्पति उदय हो जाएंगे, उसके बाद बहुत लाभ देने के योग बनाएंगे। ऐसे में शुक्र भी चल रहे हैं अस्त, तो गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, शुक्र को ताकत देने के लिए महालक्ष्मी का पूजन करने का प्रयास कीजिए,
फलों का दान करने का प्रयास कीजिए, खट्टे फलों का दान करने का प्रयास कीजिए, आम इत्यादि बहुत आ रहे हैं इस वक्त, आम का दान करने का प्रयास कीजिए। ये सारे उपाय विशेष तौर पर आप कर बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बना सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा ढीला रहता दिखाई दे रहा है, तो इन सब संबंधों को उपाय करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हमने ज्योतिष दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पूर्वाभास हो जाता है और कैसे ये ज्योतिष की गणनाएं जो हैं वो आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें सटीक रूप से बता देती हैं। एक व्यक्ति मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। हमारे पास एक बहुत मूर्धन्य देश के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति जो किसी बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के पीए थे, वो जन्मपत्री दिखाने आए पिताजी के पास और बड़े परेशान थे उन दिनों बड़े परेशान थे। जन्मपत्री जब दिखाई उन्होंने तो कहा, जब जन्मपत्री देखी तो उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न किया कि मेरी उम्र कितनी है आचार्य जी, ये बताएं। तो पिताजी ने जन्मपत्री देखी, मैं वहीं बैठा हुआ था, मुझे, मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष सीखता था, याद अभी भी है, वैसी घटनाक्रम थी। और जब जन्मपत्री देखी उनकी, तो उनकी जन्मपत्री में एक विशेष प्रकार का योग था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन होती दिखाई दे रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या जीवन का अंतिम समय आ गया है। पिताजी ने भी जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री मुझे भी समझाया उस विषय को। तो हमने जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर एक ग्रह जिसके कारण से वो मृत्यु का योग बन रहा था, वो विशेष तौर पे अवस्था किस अवस्था में था वो हमने देखा नहीं। जैसे अभी हम बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, और या विशेष तौर पर सुप्तादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, वृद्धादि अवस्था में, तो वो जो ग्रह था विशेष तौर पर उनका स्वप्न अवस्था में था। वो स्वप्नादि अवस्थाएं हमारे यहाँ विशेष तौर पर बताई गई है, जागृत, स्वप्न, प्रगाढ़ इत्यादि, हर ग्रह की ऐसी अवस्था भी होती है। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उस समय में यही निष्कर्ष निकाला कि महाराज जिसने जन्मपत्री देखी है बहुत बढ़िया तरह से देखी है और उसने मृत्यु का जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन उपराष्ट्रपति के साहब जो पीए साहब थे उनको यह बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होगी भी और तुम जिंदा भी रहोगे। वो बोला नहीं, साफ साफ बताए क्या मतलब हुआ इसका। उनको बताया गया कि भाई आपका जो ग्रह है विशेष तौर पर जो दिखा रहा है मृत्यु योग बना रहा है वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है, तो मृत्यु का कारक जो बनेगा वो स्वप्न में मृत्यु होने के योग बनेंगे, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आएंगे तो जागृत अवस्था में रहेंगे आप। तो सोचें उस व्यक्ति का वो समय निकला और जो इतना मेंटल टॉर्चर में था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय था, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार में कोई स्वप्न भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ज्योतिष की ग्रह गणना के अनुसार से प्रिडिक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, तो यदि वो हमारे अध्ययन में आ जाती हैं, अब इतनी ज़्यादा जो अवस्था, ज्योतिष इतना गूढ़ विज्ञान है कि उसकी हजारों लाखों ज्ञान की पुस्तकें हैं, कहाँ कब कौन सी पुस्तक, कौन से योग कहाँ विचारों मस्तिष्क में आ गए हैं और उनको सबको देखकर अध्ययन कर कब ज्योतिषी के मनोमस्तिष्क में वो भाव आ जाता है और किस प्रकार से वो गणनाओं के माध्यम से वो भविष्य की दृष्टा को देखते हुए, भविष्य के योगों को देखते हुए आपके जीवन में भविष्यवाणी करने के योग बनाते हैं और उसको बहुत गहन चिंतन करके, तो ये घटना हमने आपको बताई। और वो व्यक्ति जीवित रहा और उसके बाद पिताजी का शिष्य रहा बहुत वर्षों तक। हमें याद है कि वो जीवन आश्रम पे आते रहे और देखिए ये ज्योतिष जो है विडंबनाओं का नहीं, परेशानी में डालने का नहीं, परेशानी से निदान करने का, परेशानी से निकालने का योग है। तो हम हर सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ अशुभ का योग है भी, यदि आपके जीवन में कुंडलियों में कोई अशुभ योग है भी, तो उनको ठीक करने का रास्ता हम अपना सकते हैं। देखिए अब इस कुछ सिद्धांतिक तौर पर यह समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई घटनाक्रम का कुछ योग बने हैं तो किस कारण से बने, कर्म के अनुसार से बने। कोई दुष्कर्म करेंगे तो दुष्योग बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो अशुभ योग बने हैं वो शुभ कर्म करने से ठीक हो जाते हैं। आपके हाथ में कोई रेखा है, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे हेडलाइन में जब मैं छोटा था तो उसके अंदर एक द्वीप चिन्ह था। अब जब पिताजी ने जब ज्योतिष सिखा रहे थे तो कहा कि द्वीप चिन्ह यदि किसी भी लाइन में आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब हमने कहा भाई कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो है। तो पिताजी ने कहा नित्य प्रति ध्यान किया करो। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ पे नित्य प्रति ध्यान करो, ये लाइन हट जाएगी। विचार नित्य प्रति, और आप सत्य माने वो लाइन, वो द्वीप चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जो हेडलाइन के अंदर था वो हट गया, गायब हो गया, कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष
चीज़ है, प्रत्यक्ष विज्ञान है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझा जा सकता है। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से करके देखा है, और समय समय पर हम विभिन्न उत्सवों का के माध्यम से हम उन सब कार्यों को करते भी हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से हमें समझना पड़ेगा। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है, और आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने जब इसका सृजन किया तो उसका निदान कारण जानना, और कारण किस प्रकार से, और उस समस्याओं का जो कारण जानने के बाद समस्या आई तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उसके समस्त रास्ते हमारे जन्मपत्र ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताए गए हैं। एक गणित विज्ञान है और एक निराकरण विज्ञान है जिसके अंदर निदान के समस्त उपाय बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान, दान विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार से पुराण इत्यादि में जितने दान की पद्धति बताई गई है, जितने मंत्र जप की पद्धति बताई गई, यज्ञ इत्यादि की पद्धति बताई गई है, वो सारे के सारे निदान की पद्धति के रूप में बनाए गए हैं। और हमारा विषय जो हम इस चैनल के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से आप सबके समक्ष रखते हैं, वो पौराणिक मत को रखने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत यदि हम समझें, बहुत सारे टोटकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसे ऐसे टोटके बताने का प्रयास करते हैं लोग, ज्योतिष के संबंध में विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा नहीं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष कैसे कैसे ठीक ठीक रूप से, यदि आप यजुर्वेद संहिता को उठा के देखें, यजुर्वेद को भी उठा के देख लीजिए, तो उसमें उसके अंदर सहस्त्रों उपाय यज्ञ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सहस्त्रों लाखों मंत्र बताए गए हैं, लाखों पद्धतियां बताई गई हैं उन सब को। और ज्योतिष में विज्ञान के अंदर जो पंचांग आप देखते हैं, पंचांग के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव आते हैं। वो विभिन्न उत्सव जो है वो विशेष तौर पे आप समझें, वो एक मुहूर्त है कि जिस समय में यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कई गुना अधिक हो जाएगा, और जब पुण्य अधिक हो जाएंगे तो समस्या का निदान का मार्ग मिल जाएगा। तो जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है, प्रदोष के योग आ रहे हैं, होली, दीपावली, ये सब जो अक्षय तृतीया इत्यादि, ये सब जो मुहूर्त आते हैं ये विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पुराणों के अंदर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर इन सब उत्सवों के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के रास्ते बताए गए, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए गए हैं। उन कर्मों को कर आप सुंदर तरीके से, हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न आपकी बातें रखते हैं, विभिन्न कथाएं रखते हैं इस बारे में कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे, कौन सी हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज्योतिष के अंदर, उन सब सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझें ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है, और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से आश्रम पर करने का जो व्यवस्था बनाई, हमारे पिताश्री आचार्य केशवदेव जी महाराज ने पिछले करीब करीब 50 सालों से ये सुंदर आश्रम कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर जमुना पार में स्थित है, यहाँ नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का, दुर्गा का बहुत सुंदर चमत्कारी शिव विग्रह जो मुल्तान से यहाँ पधारा वो आज भी यहाँ विराजमान है, उनके सानिध्य में आज भी विवेकानंद योगाश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ करने की व्यवस्था चल रही है। गौशाला की सुंदर सेवा, गाय की सुंदर सेवा करने की व्यवस्था है। अस्पताल है जो विवेक योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हजारों लोगों की सेवा कर रहा है, भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे सहस्त्रों लोग यहाँ आकर अपना उपचार कराते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में। मुद्राओं के संबंध में तो अद्भुत कार्य हमने करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का। आज हमने आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बताई कि बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है तो उसके दोषों को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा, वैसे तो ये मन को शांत करने वाली है। भगवान बुद्ध इसी पोज में, ज्ञान मुद्रा में बहुत सारे अपने सहस्त्र फोटो के अंदर, मूर्तियों के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, कहा जाता है प्रपन्न पारी जाता है तो उत्तर वेत्रे पाणे ज्ञान मुद्राए कृष्णाए गीतामृद्वे नमः। तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है, तो आपका जो बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है इन दिनों, आप उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, देखिएगा लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो तो हमने आपको बताया ही, इसके बाद भी आपको बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपकी मूल सबके लिए खराब नहीं है, अब जिस एक राशि के बारे में बताया कि खराब है अच्छा है, तो हो सकता है उस आपकी दशा अंतरदशाएँ बहुत सुंदर चल रही हों, या हो सकता है ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा है तो ग्रह अंतरदशाएँ जो है अशुभ चल रही हों, तो वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस सब संबंध में आपको अच्छा ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह से विचार विमर्श समय समय पर कराते रहें, उन सब समय का आपको आभास होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात से डर जाते हैं कि सहस्त्र, मेरे अब बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे लोग लोग आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से 4-4 दिन पढ़कर ज्योतिष विज्ञान के आचार्य बन जाते हैं, और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे लोगों को लूटने का तरीका बनाते हैं। ज्योतिष पैसे कमाने का तरीका नहीं है, हमारा ये उद्देश्य
ज्योतिष की वास्तविक स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का है। और बहुत सारे लोग इन भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय बता दिए जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सरलता से, बहुत सीधी तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को पैसे खर्च किए हुए, कोई नग ना बताकर, कोई बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रयोग ना बताकर, बहुत सारी किसी विडंबना से, सब समस्त विडंबनाओं से हटके सीधे सारे तरीके से ज्योतिष के विज्ञान को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझेंगे और लाभ लेंगे।